अगर मैं अपने बेटे का सुन्नत के मुताबिक निकाह करता हूँ तो क्या यह मैं शर्त रख सकता हूँ कि आप अपनी बेटी के जब निकाह कर रहे हैं तो आप विरासत में आप हिस्सा देंगे, क्या यह शर्त रख सकता हूँ? देखिए, आप ये बिल्कुल शर्त रख सकते हैं, बल्कि आपको ये शर्त रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ना भी रखें तो बेटी का विरासत पाना अपने बाप की जायदाद में ये उसका हक है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि जिसको चाहें तो दें, चाहें तो ना दें। और शर्त तो उस चीज में रखने की जरूरत होती है जिसमें सामने वाले को इख्तियार होता है कि वो चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। तो शर्त रख करके आप वो चीज उससे लेना चाहते हैं, लेकिन जो चीज पहले से वाजिब है उसमें शर्त रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये शर्त अगर आप ना भी रखें तो उस बेटी का हिस्सा अपने बाप की जायदाद में बनेगा। अब अगर आप शर्त रख रहे हैं तो गोया कि दो तरह से वो चीज वाजिब हो गई उनके ऊपर। एक तो शरीयत की तरफ से पहले से वाजिब है, दूसरा उन्होंने इस शर्त को माना तो अब ये दूसरी तरफ से भी ये चीज वाजिब हो गई। और हमारी शरीयत में कई चीजें एक से ज्यादा सबब की वजह से भी वाजिब हो सकती हैं। किसी चीज के वाजिब और लाजिम होने के दो असबाब भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक सबब तो हुआ कि वो विरासत में उसका हिस्सा बनता है, वो उस वजह से पाएगी। दूसरा, आपने शर्त रखा हुआ है और उन्होंने वो शर्त माना है तो इस एतबार से भी उनके ऊपर वाजिब है कि अपनी जो उसका हिस्सा बनता है उसको दिया जाए। तो खुलासा ये कि उसका हिस्सा अपने बाप की जायदाद में बनता है, आप शर्त ना भी रखते तब भी बनता। लेकिन जब आपने शर्त रख दिया तो अब गोया कि एक और जिहा से, एक और तरफ से उनके ऊपर ये चीज वाजिब हो गई। जी शेख, शुक्रिया। एक्चुअल में ये जहेज की लानत को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लोग जहेज दे करके अपना हिस्सा ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए कि ताकि लोग विरासत की तरफ मायल हों, इसलिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ। देखिए, हाँ देखिए जी भाई, ये जो जहेज का रिवाज पाया जाता है हमारे मुआशरे में, आप जानते हैं कि ये गलत है, हराम है। किसी का माल उसकी मर्जी के बगैर लेना, जबरदस्ती दबाव में डाल करके लेना, ये जायज नहीं है। तो जहेज तो आमतौर से ऐसे ही लिया जाता है, तो लिहाजा वो तो जायज नहीं है। अब अगर कोई ये कहता है कि हमने बेटी को जहेज दे दिया तो अब जहेज देने की वजह से विरासत में उसका हिस्सा नहीं बनता है, बहुत सारे लोग ये इश्काल पेश करते हैं कि उसको जो मिलने वाला था वो तो हमने जहेज में दे दिया। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भाई, विरासत में उसका हिस्सा कब बनेगा? जब उसका बाप मर जाएगा तब। और उसका बाप अपनी जिंदगी में उसको जो दे रहा है उसको विरासत कह ही नहीं सकते। विरासत के लिए शर्त है जो मुवर्रिस है उसका मरना और वारिस का उसकी मौत के वक्त जिंदा रहना, ये शर्त है। तो जब जिंदगी में वो दे रहा है तो उसको विरासत नहीं कहा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कोई हराम चीज किसी हलाल चीज की जगह नहीं ले सकती। विरासत देना हलाल है, जायज है, शरीयत का हुक्म है। अब इसकी जगह जहेज कैसे ले सकती है जो कि हराम है?